रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी समकक्ष की मॉस्को में हुई बैठक, करीब ढाई घंटे चली वार्ता, मीटिंग की तस्वीरों से अंदाजा। वार्ता में सिंह ने कड़े लहजे में चीनी समकक्ष के सामने भारत का पक्ष रखा। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को दिए निर्देश, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। वीसी से गांधी ग्लोबल कॉन्क्लेव का होगा आयोजन, अधिकांश एनजीओ की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश। सुशांत केस में रिया का भाई शौविक और मैनेजर मिरांडा को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, दोनों को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। तो वहीं एनसीबी ने रिया को भी भेजा समन, अब तक 5 पर शिकंजा। मुंबई को पीओके बताने पर कंगना पर भड़के फिल्म स्टार्स, उर्मिला ने तो एहसान फरामोश तक कह दिया। कंगना ने शिवसेना लीडर संजय राउत पर खुलेआम धमकी देने का आरोप लगाते हुए किया था ट्वीट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कंगना के बयानों पर की सख्त टिप्पणी, कहा जो मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करते उन्हें यहां रहने का अधिकार नहीं। अरुणाचल में चीन की चौंकाने वाली करतूत, पीएलए के जवानों ने नाचो इलाके से 5 भारतीयों को किया अगवा, अगवा किए गए लोग स्थानीय ताजिन कम्युनिटी के। चीन को अब जापान का झटका, चीन से अपनी कंपनियों को भारत समेत आसियान देशों में शिफ्ट करने पर देगा सब्सिडी। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चिंताजनक बयान जारी किया, डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा है कि अगले साल के मध्य तक नहीं बनेगी कोरोना की वैक्सीन। शिक्षक दिवस आज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। नहीं चलेगी नीट जेईई की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 6 राज्यों की याचिका, गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों ने एग्जाम टालने के लिए दाखिल की थी रिव्यू पिटीशन। जेईई परीक्षा के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने की अब नीट की तैयारी, पहाड़ी इलाकों में छात्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से परीक्षाओं के सिलसिले में की बात। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,90,000 नए मामले आए सामने, 5,564 लोगों की गई जान। दुनिया भर में अब तक 2,67,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की जद में। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने बढ़ाई चिंता, कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 40,00,000 के पार, वहीं अब तक 69,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान में कोरोना का बढ़ता कहर, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत, तो वहीं रिकॉर्ड 1,570 पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना से जुड़ी राहत भरी खबर, प्रदेश में कोविड मरीजों की रिकवरी रेट हुई 82%, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी, मृत्यु दर में भी आई गिरावट। कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार का बड़ा कदम, अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगी रिपोर्ट, प्रमुख चिकित्सा सचिव ने जारी किया आदेश। कैदियों को पैरोल फर्लो देने के नियम में गृह मंत्रालय ने किया संशोधन, गृह मंत्रालय ने कहा वैसे कैदी जिनकी रिहाई से समाज या किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो उनको पैरोल और फर्लो देने पर रोक लगाई जाए। यूपी के विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में बोले योगी बुंदेलखंड को जैविक खेती का रोल मॉडल बनाया जाए। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी यूपी सरकार, तो चीन की कंपनियों पर लगाया बैन, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए नहीं डाल सकेंगे टेंडर। शहीद शमशेर अली को आज दी जाएगी अंतिम विदाई, झुंझुनू जिले के हुकुमपुरा गांव में किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, अरुणाचल प्रदेश में आतंकियों से लोहा लेते वक्त हुए थे शहीद। सितंबर में शुरू होंगी तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा की परीक्षाएं, सीएम गहलोत का फैसला, सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगी ऑफलाइन परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट की अनुपालना में होंगी परीक्षाएं। जयपुर में जहर के खिलाफ कार्रवाई, मिलावटी मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री पर दबिश, क्राइम ब्रांच टीम ने भाकरोटा थाना इलाके में की कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। बारा के कालीसिंध नदी के टापू पर फंसे मजदूरों की बची जान, एसडीआरएफ की टीम ने सभी 20 मजदूरों का किया रेस्क्यू, 22 घंटे से टापू पर फंसे थे मजदूर। जयपुर के टोंक रोड स्थित हजरत गुलाब शाह उर्फ गट्टे वाले बाबा की दरगाह में 3 दिवसीय सालाना उर्स का आगाज किया गया, कार्यक्रम की शुरुआत दरगाह के गद्दीनशीन बाबा मजीह शाह ने झंडा पेश करने के साथ की। आज मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है, उन्होंने 68 साल तक गरीबों और लाचार वर्ग की सेवा कर दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया।